नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह ही आनंद जी और अभय जी हैं और हम इनसे पूरे हफ्ते घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। कई घटनाएं जो पूरे सप्ताह घटी और जिनका राजनीति पर हो सकता है कि अल्पकालिक प्रभाव हो, कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका दीर्घकालिक प्रभाव होता है, तो उनकी जो एक पड़ताल है वो इस कार्यक्रम में हम करते हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। नमस्कार आनंद सर, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के संदर्भ में जिस पर आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो SC और ST कैटेगरी है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए और ये पूरा का पूरा मामला उन्होंने स्टेट पर छोड़ दिया कि वो इसके बारे में एक निर्णय ले। काफ़ी सारे बुद्धिजीवी जो हैं, जो दलित वर्ग से संबंधित है, वो इसका स्वागत कर रहे हैं, पर बहुत सारे, यानी कि मैं कहूंगा कि बहुमत जो है वो एक नाराजगी दर्शा रहा है कि एक सही निर्णय नहीं है, संविधान के साथ छेड़छाड़ है और दलितों और आदिवासियों की एकता को तोड़ने वाला है। आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि इससे देश की राजनीति में कोई बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए कमल जी, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो शायद मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ इसके इस बात को कहने के लिए कि दलितों में इसको किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन जाटव, कौन मुसहर, कौन मैं उसके लिए शायद क्वालिफाई नहीं करता हूं। लेकिन जो लार्जर चीज समझ में आती है, मैं मोटी बात कर रहा हूं, उसका पॉलिटिकल फॉलोआउट की बात कर रहा हूं। जब हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो अब वो चूंकि वो उसको अब जिस जो शेड्यूल कास्ट को जिस नाम से बुलाया जाता था, अब उसको उस नाम को बोलने से सजा का प्रावधान है, इसलिए वो नाम नहीं बोला जाएगा। इन सारे लोगों को आप एक चीज मानते थे, हम लोगों को नहीं पता था कि उसमें इतनी उपजातियां होती। फिर ये एक दौर आया पिछले 30-35 साल में, और स्पेशली पोस्ट मंडल में कहूंगा, उससे पहले भी हो गया था लेकिन पोस्ट मंडल ये ज्यादा आ गया कि ये जाटव हैं, ये मुसहर हैं, ये पासी हैं, वो आपका एक कैटेगराइजेशन बड़ा होने लगा। मैं जितना समझा हूं, एक तो ये नहीं है कि नॉन दलित, दलित वर्ग में भी एक बड़ा वर्ग है। मैं कल और आज जहां पे हूं गांधी पीस फाउंडेशन, उस पे दलित ही में से एक बड़ा वर्ग इससे नाराज है। और जो ऑन द फेस ऑफ इट, मैं इस कंडीशन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जो दलित वर्ग का जो ब्राह्मण वर्ग है जिसको ये मिला हुआ है, वो नहीं चाहता है कि ये अपने पास से जाए। कुछ इस तरह की बात भी हो रही, क्योंकि हम अब ये पता लग रहा है कि उसमें बहुत सब कैटेगरीज हैं और आरक्षण का जो जो भी उसकी वजह से नौकरी मिलती है, शिक्षा में जो लोगों को कुछ अवसर मिला है, वो एक लिमिटेड है कुछ लोगों के बीच में। बैकवर्ड अपने को बहुत समझ में आता है, बैकवर्ड में समझ में आता है कि जो बैकवर्ड जाति का जब मंडल कमीशन आया तो उसका मूल रूप से यादव, फिर कुर्मी और फिर कुशवाहा, मतलब इस तरह से आया था। आज आप देखिए तो बैकवर्ड आपको पता है कि 200 बैकवर्ड है। आप जब निषाद उसमें जाते हैं, जिसको निषाद के कुछ 26 कैटेगरीज हैं, ये हम लोगों को नहीं पता था कि निषाद, कश्यप, ये केवट, ये उसकी, तो उपजातियों में भी जो ज्यादा जिनके पास अवसर थे वो शायद इसका फायदा। तो मैं बिना उस चीज में गए, जो लार्जर एक और चीज है, मेरी अभय जी से इसके विषय में पहले भी बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड हुई है, ये हम सब लोगों को लगता है कि शायद अंतोगत्वा आप ये जो काम कर रहे हैं ये बिना जाति जनगणना के नहीं हो, क्योंकि जाति जनगणना उसको कैटेगराइज कर देगी कि भाई इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना परसेंटेज, और अगर वो उसको सेगमेंटाइज कर रही है तो मुझे ये लगता है कि मैं बिना कुछ, मतलब मैं एक ओवरऑल पिक्चर देखते रहा हूं कि अगर एक मान लीजिए एक छन्नी आप लगाए हुए थे, उस छन्नी में पहले बड़े बड़े छेद थे कि भाई इस छन्नी में ऊपर वाले अगड़ी जातियां यहां रुक जाएंगी और ये जातियां नीचे जाएंगी, ठीक बात है, लेकिन वो जातियां अब वो छन्नी को और छोटा कर दिया जा रहा है और उस छन्नी में भी विद इन उसको उसको और साफ कर रहे हैं कि अब इसको किसको 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 इसकी वो मिलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो स्प्रेड ज्यादा हो जाए, क्योंकि दो चीजें हैं, एक चीज तो यह है कि वो कोई आरक्षण को तो बढ़ा नहीं रहे हैं, उसके परसेंटेज को उतना ही आरक्षण है, उसको अगर स्प्रेड आउट ज्यादा कर दे रहे हैं तो वो तो मैं बिना जाने में वो स्वागत योग्य है, उसमें लोगों की अपने जो भी राय हो लेकिन मेरे हिसाब से वो स्वागत योग्य है। अगर
कम के बजाय ज्यादा जातियां इसमें कवर हो जाए। हो सकता है कि जो डोमिनेंट जातियां हैं उनका कुछ हिस्सा इसमें से निकल जाए। अगर बैकवर्ड का इसी तरह से स्प्रेड आउट होता है तो जो माना जाता था, और ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा भी, एक समय जो पुलिस वाली भर्ती थी उसमें यादव 90% बैकवर्ड का सब 90% से ज्यादा यादव भर्ती हो जाते थे। तो अगर वो भी स्प्रेड आउट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अब इसका जो पॉलिटिकल फॉलोआउट है वो फॉलोआउट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये हम छोड़ रहे हैं स्टेट के ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। वो बाय एंड लार्ज वो लोग इसके समर्थक रहे हैं, डीएमके और तमिलनाडु कर्नाटका ये सब जगह। दिक्कत होने वाली है हिंदी स्टेट में, और हिंदी स्टेट जो दलित वोट बीजेपी के साथ था, एक बड़े वर्ग का वोट साथ था। बहन जी को माना जाता था कि वो जाटव वोट पे उनका एकाधिकार है, और आज भी माना जाता है कि सब कुछ खराब हो जाने के बाद भी मायावती जी का एक वो जाटव वोट इंटैक्ट है। अब देखना यह है कि वो उसमें वो जाटव की उपजातियां निकल आएंगे उसमें से, अब वो काफी कुछ वो होगा। तो पहले क्या था कि पहले बैकवर्ड, जब हम लोग मंडल आया तो पता लगा कि मुलायम सिंह यादव जी बैकवर्डों के नेता हैं, लेकिन धीरे 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 ये होगा कि नहीं ये तो यादव है, ये यादवों के नेता है। नीतीश कुमार बैकवर्ड नेता से होके फिर कुर्मी नेता हो गए, मतलब इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। ओम प्रकाश राजभर अब राजभरों के नेता है, वो बैकवर्ड नेता नहीं है। तो शायद इसमें भी आपके नए नए वर्ग निकलेंगे, और जो अभय जी शायद उसको बेहतर ढंग से बताएंगे कि जो जाति जनगणना है वो एक प्रीरिक्विजिट हो जाएगा कि अब जाति जनगणना की आवश्यकता और पड़ेगी। अब वो जो एक मुश्किल होगी कि जाति जनगणना, अगर जनगणना करानी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, अगर सर्वे कराना है तो स्टेट गवर्नमेंट कराएगा, वो सब एक उसके झंझट रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 4-5-6 साल में ये सेटल होगा, और अगर ये वाइड स्प्रेड हो जाता है तो ठीक है। वोट की दृष्टि से अभय जी बेहतर बताएंगे कि वोट की दृष्टि से बीजेपी का क्या नफा क्या नुकसान होगा। कमल जी, अभय सर, ये जो पूरा मामला आया है उसमें बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर चिराग पासवान ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि वो ये कोशिश करेंगे कि निर्णय बदले। जो बुद्धिजीवी तबका है उसमें एक तरीके से एक संदेह की भावना भी आ रही है कि पूरा का पूरा उच्च जातियों का षड्यंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय में सारे के सारे उच्च जाति के जज हैं और वो ईडब्ल्यूएस के मामले पे खामोश रह गए और इस तरीके का निर्णय आ रहा है। क्या इस पूरे निर्णय को हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं, ये जो संदेह है दलित और आदिवासी में जो पढ़े लिखे तबके हैं उनके बीच में? और दूसरा इसका भाग में ये रखना चाहूंगा कि क्या ये भाजपा के लिए एक मुसीबत और बढ़ाएगी, जहां जाति जनगणना की बात हो रही है वहां नए सिरे से आपको लागू करना है छोटे छोटे समूहों को जो आरक्षण देने की जो बात है, तो ये पूरी प्रक्रिया को जो आनंद वर्धन जी कह रहे थे कि क्या ये और विकेंद्रित करने की ओर ले जाने वाला है? देखिए, अगर ये फैसला पहले आ गया होता तो नीतीश कुमार ने बिहार में जो महादलित श्रेणी बनाई थी उस श्रेणी के अंदर 4 बड़ी जातियों को बिहार की घुसने का मौका नहीं मिलता। पासवान उसके अंदर नहीं जा सकते थे, पासी उसके अंदर नहीं जाते, धोबी उसके अंदर नहीं जाते, और चमार जाति के लोग उसके अंदर नहीं जाते। चमार जाति वो चूंकि वहां बिहार में कहा जाता है इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकायदा वो एक तकनीकी टर्म है। ये चारों नहीं उसमें शामिल हो सकते थे। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक दबाव से इन चारों बिहार में कुल 22 दलित जातियां हैं, 22 में से 18 जातियों को महादलित नीतीश कुमार ने महादलित श्रेणी में डाला था, और ये 4 जातियां महादलित श्रेणी से बाहर थी। लेकिन इन राजनीतिक दबाव डाल के ये 4 जातियां अभी, अब बिहार में सभी लोग महादलित है, यानी दलित तो महादलित श्रेणी बनाने का कोई फायदा नहीं रह गया। अगर ये फैसला पहले आया होता तो ये नहीं हो सकता था। फिर क्या होता है कि जो दलितों को आरक्षण मिलता वो 18 जातियों को उसी आरक्षण में से एक अलग आरक्षण प्राप्त होता, और इन 4 जातियों को अलग आरक्षण प्राप्त होता। पहली बात तो ये सब नहीं हो पाता। अब आइए आप दूसरी बात पे। सुप्रीम कोर्ट का ये कितने फैसले के आयाम है उन पर गौर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये भी कहता है कि दलितों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो दूसरी दलित जातियों के साथ में वही व्यवहार करती हैं, यानी छुआछूत का व्यवहार करती हैं, यानी कुछ दलित जातियां अन्य दलित जातियों के साथ में छुआछूत का व्यवहार करती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जब एक अवलोकन, मजबूत अवलोकन किया गया है, इस अवलोकन की रोशनी में जो छुआछूत विरोधी अधिनियम है
जिसमें बड़े पैमाने पर ऊंची जातियों के लोग इसके अंदर फंसते हैं, जाहिर है कि वो छुआछूत करते हैं और दलितों के ऊपर इस तरह की उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको फंसना ही चाहिए उसमें, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर इस छुआछूत विरोधी अधिनियम जो है इसका भी दायरा विस्तृत होगा और इसके ऊपर भी नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी और इस कानून के भी कुछ अपवाद होंगे या किस तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नया अवलोकन किया है ये इसके अंदर जाएगा। और हम लोग इस बात को जानते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत विख्यात कहानी है शव यात्रा। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के विख्यात दलित लेखक थे, उनकी कहानी है शव यात्रा। तो शव यात्रा की कहानी का संक्षेप में कहानी यही तो है कि एक वाल्मीकियों का टोला है, उसमें एक कहानी का जो एक नायक है उसकी बेटी का देहांत हो जाता है, तो और वो टोला जो है वो तो उसमें जब उसकी शव यात्रा होती है तो जो दूसरी बिरादरी के दलित हैं वो शव यात्रा में कंधा लगाने के लिए भी तैयार नहीं होते, तो वो अकेले ही अपनी बेटी को उस पर रखकर अकेले ही ले जाता है, उसको एक गाड़ी पर रख के उसको ले जाना पड़ता है शव यात्रा को। तो दलित लेखक संघ के अंदर जब इस कहानी के ऊपर विचार होता था तो सब लोग कहते थे कि ये कहानी जो है वो दलित एकता को तोड़ने वाली है, क्योंकि दलित लेखक संघ के ऊपर जाटव दलित लेखक जो है उनका कब्जा था, तकरीबन वही उसके ऊपर हावी थे। मैंने बाकायदा खुद मैंने कुछ जैसे शिमला में एक वर्कशॉप किया था, शिमला के वर्कशॉप में भी यही बहस हुई थी, वहां ओम प्रकाश वाल्मीकि भी मौजूद थे और दूसरे दलित लेखक दलित बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। तो दलित समाज के अंदर भी ये समस्या पुरानी है और एक स्थापित किस्म की समस्या है जिसके ऊपर गौर नहीं किया जाता। तीसरी बात, दो बातें मैंने आपके सामने कही। तीसरी बात यह है कि जब संविधान बना था तो उसने भारतीय समाज की एक नक्शानवीसी की थी, एक मैपिंग की थी भारतीय समाज की। उस मैपिंग में भारतीय समाज को पहले दो साफ सुथरे हिस्सों में बांटा गया, अगड़ा और पिछड़ा। फिर पिछड़े हिस्से को तीन हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिस्सा एसटी का, एक एससी का और एक ओबीसी का, ये तीन हिस्से बना दिए गए। इस तरह करके कुल मिलाकर चार हिस्सों में भारतीय समाज की एक बहुत ही जो विविधता मूलक और जटिल किस्म का समाज था उसकी चार हिस्सों में एक साफ सुथरी तस्वीर बना दी गई। इस साफ सुथरी तस्वीर के मुताबिक राजनीति होने लगी, सब लोगों ने इसको मान लिया मोटे तौर पर, हमारे पार्टी सिस्टम पर भी उसकी छाप है। इसी तस्वीर के मुताबिक जनता की गोलबंदी होने लगी, वोटों की गोलबंदी होने लगी। जब हम सब लेकिन साथ साथ में सब कैटेगराइजेशन यानी समाज के बड़ी इन चार बड़ी बड़ी जो श्रेणियां थी इनके अंदर एक उपश्रेणीकरण की कोशिश भी होती रही। और वो कोशिश को हम देखते हैं कि उसमें काका कालेलकर कमीशन के एक सदस्य थे जिनका नाम था शिवदयाल सिंह चौरसिया, तो उन्होंने काका कालेलकर की सिफारिशों के खिलाफ एक 85 पेज का डिसेंट नोट लिखा उन्होंने, और डिसेंट नोट में उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जब इन तमाम चीज जब उपश्रेणीकरण की बात होगी तो जो श्रेणियां अभी मौजूद है उन सबके ऊपर भी जांच होगी, तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिसको पिछले दरवाजे के साथ घुसेड़ा गया है, वो सब अब शिवदयाल सिंह चौरसिया का जो एक 85 पेज का नोट था जो कि भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है, मैंने आज ही पढ़ा है नोट, वो उस नोट को देखिए आप, तो उससे साफ होकर निकल आता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किस तरीके से बार बार मतलब जो आरक्षण की दुनिया में प्रवेश करने की उसकी कोशिश की जा रही थी, वो किस तरह से उसका शुरू से ही 50 के दशक में ही उसका विरोध हो रहा था। अब आप आइए बिहार में कर्पूरी ठाकुर के जमाने में मुंगेरी लाल कमीशन बनता है। मुंगेरी लाल कमीशन जो है वो कहता है कि जो पिछड़ी जातियों हैं उनके बीच में भी उपश्रेणियां बननी चाहिए, वो भी चीज कामयाब नहीं हो पाई, तमाम उसके बहुत सारे कारण हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं। फिर मंडल कमीशन बनता है, जब मंडल कमीशन बनता है तो वहां पर उसके एकमात्र दलित सदस्य थे आर एल नायक ने कहा कि ये तो मामला ही पूरा गड़बड़ है, सारे ओबीसी जातियों को एक ही पलड़े में नहीं रखा जा सकता, इसमें से आधी जातियां करीब कारीगर जातियां और आधी खेतियर जातियां मजबूत हैं, संपन्न हैं, इनको आरक्षण कम दिया जाना चाहिए और कारीगर जातियों को आरक्षण ज्यादा दिया जाना चाहिए। उन्होंने भी एक नोट ऑफ डिसेंट लिखा, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर नोट ऑफ डिसेंट नथी है। वीपी सिंह ने जब रिपोर्ट लागू की तो नोट ऑफ डिसेंट की कोई परवाह नहीं की उन्होंने, अब उस नोट ऑफ डिसेंट को भी दोबारा पढ़ा जाएगा। मैं ही कह रहा हूं कि ये सारी बातें जो है, उसके बाद पंजाब सरकार ने दलितों के अंदर एक सब कैटेगराइजेशन की कोशिश की,
लेकिन कानून ने उसको नहीं माना, अदालत ने उसको नहीं माना, आंध्र प्रदेश ने कोशिश की नहीं माना, तमिलनाडु ने कोशिश की, कानून ने उसको नहीं माना, अब ये पहली बार इसको माना गया है। ऐसी बात नहीं है कि केवल ये कुछ ऊंची जात के जजों ने बैठ के कोई फैसला कर दिया है। लगातार आज जब से संविधान बना है उसके बाद से ही लगातार कोशिश की जाती रही है कि भारतीय समाज की जो एक बहुत ही जटिल और बहुलतावादी तस्वीर है, उस तस्वीर में बड़ी बड़ी विशाल समरूप मोनोलिथिक श्रेणियां न बनाई जाए। इस जटिलता को उसकी जटिलता में ही देखा जाए, उसकी जटिलता में ही उसको संबोधित किया जाए, उसी हिसाब से राजनीति हो और उसी हिसाब से राज्य के संसाधनों पर किसका हक होगा ये फैसला हो उसका। अब इसमें क्या है कि अगर ये तो खैर वो बात रही, अगर इस फैसले को पलटा नहीं गया या इसके अंदर कुछ संशोधन नहीं किए गए तो ये फैसला न केवल दूरगामी दृष्टि से बहुत जल्दी ही साल दो साल के अंदर ही राजनीति को गहराई से प्रभावित करने लगेगा और समाज और राजनीति के संबंध जो है ना जैसे अभी तक थे वैसे नहीं रह जाएंगे, ये मेरा कहना है। दूसरा आगे आइए, इसका तुरंत असर क्या पड़ेगा। सबसे पहले जो हिंदुत्व के रणनीतिकार हैं उनके लिए अब ये तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति क्या हो, उन्हें रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ठीक है कि वो सब कैटेगराइजेशन के जरिए अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को कुछ आश्वासन दे पाएंगे, नहीं माली जहां जहां वो सत्ता में है वो कहेंगे भाई हम आपको, आपकी श्रेणी बन गई अलग, हम आपको आरक्षण के अंदर आरक्षण देंगे, तो हो सकता है कि ये समाज जो उनसे हट रहा है फिर से उनकी तरफ आए। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जो मजबूत खेतिहर जातियां हैं या मजबूत दलित जातियां हैं वो इस प्रतिक्रिया में उनके और भी खिलाफ होती चली जाएंगी, तो कुल मिलाकर हिंदू एकता जो है वो मेढक तोड़ने ऐसी कार्रवाई बन के रह जाएगी। आप एक मेढक को रखेंगे दूसरा मेढक कूद के नीचे आ जाएगा उसके अंदर, जो दरअसल हो रहा है, लेकिन इस चीज से उसको और भी ज्यादा बढ़ावा प्राप्त होगा। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन खुल के जातिगत जनगणना के पक्ष में घोषणा पत्रों में लिख दिया है, उसी तरीके से वो राजनीति भी कर रहे हैं, संसद के बाहर संसद के अंदर एक ही बात लगातार सब एक ही स्वर से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का रवैया इसके अंदर डिप्लोमेटिक है, चतुराईपूर्ण है। जहां मजबूरी होती है वहां वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर देती है, जहां मजबूरी नहीं होती है वहां नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तो समाज को तोड़ने वाली कार्रवाई है। आपको ध्यान होगा अभी बिहार में जब जातिगत जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पास हुआ था तो विधानसभा में वो सर्वदलीय प्रस्ताव था, सब लोग उस पर सहमत थे, उसमें भाजपा भी शामिल थी, भाजपा के भी उसके ऊपर दस्तखत है। उसी तरह 2010 में जब संसद के अंदर बहस हुई थी तो मनमोहन सिंह सरकार के सामने सारे विपक्ष ने कहा कि आप जातिगत जनगणना कराइए और उस प्रस्ताव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भी दस्तखत है। बाद में राजनाथ सिंह जी ने भी तो कह दिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए गृह मंत्री के तौर पे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भाजपा जहां मजबूरी होती है वहां भाजपा इसका समर्थन करती है, जब मजबूरी नहीं होती है तो भाजपा इसका विरोध करने लगती है, विरोध भी चालाकी से करती है, कभी खुल के विरोध नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अब जातिगत जनगणना के समर्थन में मजबूती के साथ सामने आना पड़ेगा अगर वो इस सब कैटेगराइजेशन के आदेश को लागू करने जाएगी। तो आप कैटेगरी बना ही नहीं पाएंगे अगर जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, तो भाई किस आधार पर आप कैटेगरी बनाएंगे, किस आधार पर किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, कैसे पता लगेगा आपको। इसका तरीका एक ही है कि जातिगत जनगणना की जाए। योगेंद्र यादव का ये तर्क बहुत अच्छा तर्क है, उन्होंने कहा कि इसमें एक नया पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा, जनगणना का जो फॉर्म है उसके अंदर केवल एक कॉलम ही जोड़ना होगा, उस कॉलम के जोड़ देने से ही मालूम पड़ जाएगा कि आपकी इस जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और वो समाज में कहां खड़े हैं, उनके पक्ष में नीतियां कैसे बनाई जाए या उनसे उन्हें क्या देशी सुविधाएं मिल रही है जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए या जो सुविधाएं नहीं मिल रही है वो उन्हें मिलनी चाहिए, ये होगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक नजारा है जो कि धीरे धीरे ही नहीं बल्कि बहुत तेजी के साथ में अनफोल्ड होगा। आप चिराग पासवान की जो दिक्कतें हैं उनकी हम लोग समझ सकते हैं, उन्होंने कहा हम अदालत में जाएंगे इसके खिलाफ, आज ही उनका बयान प्रकाशित हुआ है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि भाई अनुसूचित जाति बनाने का तो सबसे प्रमुख मानक ये था कि वो अस्वच्छ पेशों में लगे हुए लोग हैं जो छुआछूत के शिकार है, वो अनुसूचित जाति के लोग हुए। तो अगर हम अनुसूचित जातियों के बीच में एक सब कैटेगराइजेशन कर देंगे तो ये बात कहां से आएगी कि वो अस्वच्छ पेशों में लगे हुए लोग नहीं माने जाएंगे। छुआछूत तो एक
अनिवार्य पहलू है ऐसा, जिसकी वजह से उनको अनुसूचित जाति माना गया है। ओबीसी केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की कैटेगरी है। इनके साथ में सामाजिक और शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, अब अस्वच्छ पेशों में लगे होने के कारण छुआछूत के भी शिकार है, दोनों ही बातें हैं। आदिवासी इसलिए आरक्षण मिलता है क्योंकि वो पहले समाज से कटे हुए हैं, वो पहाड़ गिरजन है, समाज से कटे हुई स्थितियों में रहते हैं। तो ये सब चीजें पहले से जो स्थापित संविधान का समाजशास्त्र था, वो समाजशास्त्र इस फैसले ने गड़बड़ा दिया है। या तो वो समाजशास्त्र बदलेगा या ये फैसला बदलेगा। वो समाजशास्त्र बदलेगा तो राजनीति भी बदलेगी और समाज और राजनीति के संबंध भी बदलेंगे, और जो रणनीतियां हैं राजनीतिक गोलबंदी की वो भी बदलेंगी, चाहे वो हिंदुत्ववादियों की रणनीति हो या सामाजिक न्यायवादियों की रणनीति हो। मैं अगला प्रश्न करने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ना चाह रहा हूं। जैसे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसका जो आदिवासी मोर्चा है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, वो लोग लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि जो भी आदिवासी जिनको वनवासी कहते हैं, जो कन्वर्ट हो गए हैं, जो ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो झारखंड में या फिर उत्तर पूर्व में या फिर छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी ईसाई हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का उपयोग इस रूप में भी करे कि जो लोग कन्वर्टेड हैं उनके लिए एक अलग श्रेणी बना दे या उनको बाहर कर दे। एक छोटी सी बात थी जो मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन मेरा प्रश्न ये है आनंद सर आपसे कि क्या अनिवार्य रूप से जो जाति जनगणना की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है, जहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी भी इसके समर्थन में दिखी, वो अनिवार्य रूप से भाजपा के लिए नुकसानदेही साबित होगी, हिंदुत्व के राजनीति के लिए नुकसानदेही साबित होगी, या भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाएगा कि कुछ बड़ी जातियों को एक्सक्लूड करे, छोटी छोटी जातियों का गठबंधन बनाकर हिंदुत्व के नाम पर बेहतर राजनीति करे? दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कास्ट की बात होती है। एक तो अभय जी, मेरे हिसाब से फैसला अगर बदलता भी है तो मांग तो अब नहीं खत्म होगी। अब ये आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर फैसला बदल के आप इस बात को पोस्टपोन कर सकते हैं। अब वो 2 साल में बाद होगा कि 10 साल बाद होगा, लेकिन अब ये एक चीज जब सामने आ गई है तो इसको तो मैटर ऑफ टाइम है, फैसला तात्कालिक रूप से फैसला बदल दें यदि, लेकिन जो एक वर्ग है उसको ये समझ में आ गया है तो ये फैसला बदल के आप उसकी डेट को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन बाकी इसको नहीं कर सकते। मैं कमल जी एक चीज इसलिए बता दूं कि ये हम लोग अभी दलित समुदाय की कह रहे हैं, ये कैटेगराइजेशन अपर कास्ट में भी है। वो इतने बेसिक हैं, वो सरजू पारी हैं, वो कान कंपनी हैं, वो ऊपर हैं, वो नीचे हैं, लड़की यहां देंगे नहीं देंगे बहुत ज्यादा है, नई शादियां होती हैं, मतलब इस पर तो वो वाली व्यवस्था तो है। अब चूंकि आरक्षण में लोगों को, एक तो आरक्षण से लोगों को ये लगता है कि कुछ ऐसा मिल रहा है कुछ ऐसा है, तो वो अपना वर्चस्व जिनको मिल रहा है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और जो इससे क्या हो रहा है कि जिनको नहीं मिल रहा है वो और नीचे जा रहे हैं, और उनको वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको वो मिले। बीजेपी के लिए ये सबसे अच्छी स्थिति ये थी, क्योंकि मैं इसको पहले भी कह चुका हूं, बीजेपी के लिए सबसे अच्छी स्थिति ये थी कि मंदिर के बाहर दलित को बिठाओ, ढोल मजीरा वो बजाए, हर मंदिर के बाहर जो भजन होता है उसके 99% बजाने वाले और गाने वाले वो सब दलित होते हैं, वो चाहे ढोलक बजाने वाले हो, चाहे मजीरा, चाहे गाना गाने वाले, और मंदिर के अंदर रखो अपर कास्ट। तो ये इतना बढ़िया सामंजस्य था कि इसको ये करते रहो, सांकेतिक रूप में कुछ बेवकूफ बनाते रहो। धीरे धीरे डिमांड ये शुरू हुई कि भाई आप दलित कोई आपके पास चीफ मिनिस्टर नहीं है, दलित आपके उस पर नहीं है। अब भाई ये लोग राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि इसमें 98 या 96 जो लोग हैं सेक्रेटरीज हैं उसमें 2 ही ओबीसी हैं, तो ये पूछते हैं कि आप क्या कितने थे, गलती हुई है। मैं इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसको तर्क से नहीं खत्म करना चाहिए, नहीं थे कोई, लेकिन आज जब समझ में आ गया है, आज के बाद राहुल गांधी इस बात से पूछना चाहिए कि जब राहुल गांधी ने इस बात को उठाया उसके बाद आप क्या कहते थे। जब एक बार कांग्रेस ने कहा कि हम महिलाओं का वो करेंगे, तो एक एक्सपेरिमेंट यूपी में हुआ था ना कि 33% महिलाओं को हम टिकट देंगे, टिकट दिए गए। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ टाइम है, अब आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और बीजेपी का जो मामला क्या बीजेपी का है कि बीजेपी सबको एक साथ जोड़ के कुछ बेवकूफ बनाने का काम करती है, बैकवर्ड दलित हमारे साथ आ गए हैं,
तो दलित आपके साथ कौन आए हैं? जो दलित आपके साथ आए हैं वो दलितों का क्रीमी लेयर है, दलितों का क्रीमी लेयर इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं, उनके सामाजिक हायरकी के ऊपर वाले लोग आपके साथ आ गए। जो पिछड़े आपके साथ आ गए हैं वो उस सामाजिक ऊपर वाली श्रेणी के सामाजिक लोग आपके पास आ गए। तो वो वाला चीज मुझे ऐसा लगता है, जो अभय जी कहना, मैं बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूं कि बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स एक तो जात तोड़ रही है, और दूसरा वो कौन सा हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये दो लोग और बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। और एक उस पर राहुल गांधी, सबको पता है। मैं थोड़ी क्रेडिट शंकराचार्य को इसलिए देना चाहता हूं, बहुत से लोगों को है नहीं, शंकराचार्य का ये धर्म है, शंकराचार्य का ये धर्म है कि अगर हिंदू धर्म को लेके कोई उसके साथ इस तरह की बातें कर रहा है, उसको बेचने का काम कर रहा है, उसकी गलत व्याख्या कर रहा है, तो ये शंकराचार्य का धर्म है कि वो खड़े होकर इस बात को कहें। कुछ शंकराचार्य बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अलग बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी असहज इस बात से भी है। आज बीजेपी की बहुत सी हवा निकालने का काम वो कभी क्वांटिफाई नहीं हो जाएगा, लेकिन शंकराचार्य जिस दिन खड़े होकर राम मंदिर के लिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत ढंग से कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, उस दिन से बीजेपी की जो मंदिर का वो था वो उससे बैठा है। लेकिन शायद वो जब हम लोग विमर्श करते हैं तो उस बात को मतलब उसमें उतना जोर नहीं देते। तो मैं कमल जी बिल्कुल इस बात से वो हूं कि बीजेपी ने जात की पॉलिटिक्स ज्यादा की थी। बीजेपी मंडल के अगेंस्ट कमंडल लाई और फिर उसने दलितों और इनको ये बताना शुरू किया कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं करते। बीजेपी तो ताल ठोक के अल्पसंख्यक जो करीब 15-16% इस देश की आबादी के हैं उस पर वो ऐलान करके कहती है कि मैं एक को टिकट भी नहीं दूं। तो अब ये नहीं चलेगा, ठीक है, आप उस्मानों के साथ जो भी कर रहे थे, लेकिन अब दलितों के साथ या बैकवर्ड कास्ट के साथ अब ये नहीं चलेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैसे बदलवाया जाता है, क्या बदलवाया जाता है, किसी उसके तहत बदलवा लिया जाए, अगर बदलता भी है तो ये मैटर ऑफ टाइम है, लाना तो होगा ही, आपको उनको कवर तो देना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कमल जी, अब सर क्या फिर से वो वक्त आ गया है कि जो पुराने राजनीति विज्ञानी थे जैसे रजनी कोठारी जो कहा करते थे कि सांप्रदायिक राजनीति का जो तोड़ है वो जाति की राजनीति में है, तो इस बात को दोहराने का और विपक्ष की राजनीति को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कहने का वक्त फिर से आ गया है? देखिए, ये जो प्रोफेसर कोठारी ने ये बात कही थी, तो मैं इस बात को अपनी पुस्तक में भी लिख चुका हूँ कि वो 1984 में उन्होंने जो एक लेख लिखा था, उस 1984 वाले लेख में उन्होंने बताया था कि सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, उसमें सब तरह के लोग हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ तक कि वो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, यानी जो सड़कों के ऊपर जगराते हो रहे हैं, बड़े बड़े त्योहार मनाए जा रहे हैं, कई कई दिन तक एक त्योहार मनाया जाता रहता है, बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं हो रही हैं, इसमें केवल सांप्रदायिक लोग ही नहीं हिस्सा ले रहे हैं, इसमें अपने आप को सेकुलर, या बंगाल में दुर्गा पूजा होती है उसमें कम्युनिस्टों की भागीदारी, वो सेकुलर लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर धर्म का और सार्वजनिक जीवन का ये एक तरह का राजनीतिकरण हो रहा है बड़े पैमाने पर। तो ये उस जमाने में उन्होंने लेख लिखा था जब भाजपा की 2 सीटें रह गई थी 1984 में, तब उन्होंने ये लेख लिखा था। तो बाद में उन्होंने एक लेख लिखा 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बावजूद बहुमत प्राप्त करने में नाकाम रही, तब उन्होंने लिखा कि ये राइज ऑफ दलित जो है, दलितों का जो उभार है, इस उभार से सांप्रदायिक राजनीति को बड़ी चुनौती मिली है। लेकिन इस प्रकार के सूत्रीकरण का एक नुकसान भी है, वो नुकसान ये है कि उससे जातियां जो हैं बड़े एयरटाइट कंपार्टमेंट्स में बंद हो जाती हैं। ये ऐसा लगने लगता है कि जो ऊंची जातियां हैं वो सब पैदाइशी रूप से सांप्रदायिक हैं, और जो ऊंची जातियां नहीं है यानी ओबीसी और दलित जातियां हैं वो पैदाइशी रूप से धर्म निरपेक्ष हैं या धार्मिक राजनीति का विरोध कर रही हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने देखा कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जातियों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही, बड़े पैमाने पर वह दलितों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। तो जाति के प्रश्न को आप कैसे उठाएंगे इसके ऊपर निर्भर करता है, और भारतीय जनता पार्टी जाति के ये जटिल मामला है। रजनी कोठारी के उस लेख ने एक तरह की एक बहुत ही सरलीकृत किस्म की बौद्धिक रणनीति बना दी, राजनीतिक रणनीति तो नहीं थी, एक एकेडमिक किस्म की सेमिनार रूम में ये चर्चा होने लगी कि जो ब्राह्मण है इसका मतलब है भाजपा का आदमी हो गया,
जो ठाकुर है वो भाजपा का आदमी हो गया, बनिया भाजपा का आदमी हो गया, कायस्थ भूमिहार भाजपा के लोग हो गए, बाकी सब लोग जो है ये सब इसमें सेकुलर संभावनाएं देखिए, कैसी बात तो थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो ही नहीं सकती थी अगर उसे ओबीसी और दलित जातियों का साथ नहीं मिलता, केवल ऊंची जातियों के साथ से तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10-12 साल से अपना प्रभुत्व कायम किए हुए कैसे कायम रख सकती थी। इसलिए कोठारी साहब की ये बात ठीक नहीं थी। कोठारी साहब की वो पहले वाली बात सही थी जब उन्होंने लिखा था कि ये जो सार्वजनिक जीवन में जो हो रहा है, जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, इन आयोजनों में हर तरह की शक्तियां भाग ले रही हैं, ये गैर राजनीतिक आयोजन है और इसमें हर तरह की शक्तियां भाग ले रही हैं, वे शक्तियां भी भाग ले रही हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति करती हैं। तो कुल मिलाकर वे सब एक ऐसा माहौल बना रहे हैं लोग जिसमें अंततः हिंदुत्व की राजनीति को ही पानी मिलेगा, और हुआ भी यही, उनकी वो बात सही थी। आनंद सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां नजूल विधेयक करके कोई विधानसभा में विधेयक पारित हो गया, फिर अंदर से ही भाजपा की अलग अलग तरह की आवाजें उठनी शुरू हो गई और सरकार को मजबूरन उसे विधान परिषद में फिर विचार के लिए किसी कमेटी को देना पड़ा। तो एक तरीके से क्या हमें माने कि जो भाजपा के विरोध भीतर जो योगी आदित्यनाथ के विरोध करने वाले नेता हैं उन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी और योगी आदित्यनाथ को बता दिया कि आप मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं? देखिए, वो दोनों सांकेतिक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ को इस तरह का पोस्चर लेते ही रहना है कि वो नजूल से, मैं पहले मोटे तौर पर नजूल से कहते ही मतलब आ जाता है कि मुसलमानों की जमीन का कुछ ये मामला है एक आम आदमी के लिए, और उनको लगता है कि मुसलमान के जो वक्फ बोर्ड हैं और वो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, जो फैक्ट भी है। लेकिन नजूल की जमीन पे मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन जैसे अलाहाबाद हाईकोर्ट नजूल की जमीन पे बना हुआ है, इस तरह के बहुत से ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो नजूल की जमीन पे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये पॉलिटिकल मूव, मैं ऐसा मानता हूँ उनका पॉलिटिकल मूव था जो अपना वो हिंदू वोट कंसोलिडेट करने के लिए वो हरदम ये दिखाई देते हैं कि वो मुसलमानों के ऊपर आक्रामक हैं, वो चाहे बाहुबली हो और चाहे इलीगल बनी हुई प्रॉपर्टीज हो उसके ऊपर वो उनका निशाना हरदम सदा रहता है। तो उस दृष्टि से उन्होंने ये छोड़ा था कि नजूल लैंड को हम ये करेंगे। उसको रोकना शायद इसलिए पड़ा कि उसके जद में बहुत से हिंदू लोग भी आ रहे हैं, जिनके घर, जिनके बहुत सी चीजें हिंदुओं की भी उसमें है। और इस पे भी कोई दो राय नहीं है कि नजूल लैंड के एक बड़े भाई एक वक्त बोर्ड के थे, वो जो रिजवी साहब, उनके ऊपर इतने घपले का आरोप लगा था नजूल लैंड को बेचने खरीदने का कि वो बाद में हिंदू कन्वर्ट हो गए थे और उनका नाम कोई त्यागी जी होके वो हिंदू धर्म की प्रैक्टिस हम ही लोगों को धार्मिक सम्मेलन में जाके बता रहे थे। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार होता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये भ्रष्टाचार केवल नजूल में नहीं, आप किसी GDA, LDA, KDA, जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं जहां लैंड लेके फिर दिया जाता है, सब जगह भ्रष्टाचार है, वहां जहां पे भी लैंड है। तो नजूल के अगर आप लैंड के लार्जर उसको देखिए, अगर वो भ्रष्टाचार प्लग इन करने की नीयत से बनाया गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो महज इसलिए बनाया गया है कि उसका जो संकेत ये जाना है कि मुसलमानों को ठीक कर देना है, तो हिंदू उसमें बहुत खुश होंगे। बिना ये समझे, तो बिना उसकी डिटेल्स जाने कि इससे आप भी जद में आ रहे हैं, आपकी भी बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जो नजूल लैंड पे हैं, तो वो मुझे लगता है कि अगर नियत क्या है, योगी आदित्यनाथ जी की जो अभी तक की पॉलिटिक्स उसके हिसाब से नियत तो वोट की है, लेकिन अगर उस वोट की नियत से कोई एक लार्जर भ्रष्टाचार को प्लग किया जा सकता है, क्योंकि देखिए एक मुश्किल क्या है, राम जन्मभूमि न्यास में अगर हम जमीन की बेमानी कर सकते हैं उस न्यास के लोग, तो वो नजूल की जमीन की कर रहे हैं, तो कोई किसी से मतलब जिसको जहां मौका मिलेगा, अगर आप नजूल की जमीन में कोई IAS अफसर बिठा देंगे कि भाई ये भाई साहब अब अलॉट करेंगे, तो वो बेमानी करने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि उस सिस्टम से ज्यादा उस लार्जर चीज को बनाने की ज्यादा जरूरत है जहां पे इस तरह की उसकी गुंजाइश ना रहे, क्योंकि आप इनको हटा के इनको कर देंगे। अब भाई मुस्लिम के वो जो मुल्तवी जी या जो भी, मैं ना उस पद का नाम भूल रहा हूँ, जिनके पास ये रहता है कि ये लोग अब इसको अलॉट करेंगे, और इनकी बहुत सी, इनमें एक और बेमानी होती है, मेरे कुछ दोस्तों के प्रिंटिंग प्रेस चलता था उसका, तो वक्फ के प्रिंटिंग जब जो बोर्ड की जमीन होती है उसका कुछ किराया होता है 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए,
लेकिन जब आप उसको खाली करते हैं, जो पगड़ी, उसका नाम कुछ और बोलते हैं, पगड़ी टाइप जो चीज होती है वो एक एक करोड़ रुपया है। अब 1 करोड़ रुपए की एक वैल्यूएशन की, जिसकी सिर्फ पगड़ी है, ट्रांसफर आपके नाम से नहीं हो रहा है, अगर चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, उसमें 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और उसका दाम अगर 50 रुपया है, तो इसको रीथिंक करने, इसको एड्रेस करने की तो जरूरत है। कैसे करेंगे मैं वो उसके विशेषज्ञ बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एड्रेस ठीक हुआ है, नियत की बात है कि उस नियत को कैसे देखा जा रहा है, वो एक बड़ा प्रश्न है। कमल जी, लेकिन आनंद सर, क्या ये भी अपने आप में एक अभूतपूर्व माना जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक प्रस्तावित कानून पर अपने कदम थोड़े पीछे खींचने पड़े, ये अपने आप में अभूतपूर्व है 7 सालों में? ऐसे तो देखिए अभूतपूर्व नहीं, योगी जी को जो मिलना था वो मिल चुका है उनको, जो योगी जी को ये नहीं था कि कल हो जाए, योगी जी को ये मिलना था कि वो अभी भी हिंदू पक्ष में खड़े हैं कुछ इस तरह से। नजूल को आज भी एवरेज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है मानता है कि मुसलमान इसके मालिक हैं या मुसलमानों का बोर्ड इसका मालिक है, वो उनको पॉलिटिकल फायदा हो चुका है, वो रुके ठंडे बस्ते में जाए न हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। योगी जी का वो जो पॉलिटिकल फायदा होना है, जिस वोट की राजनीति वो करते हैं, वो फायदा उनका हो चुका है, उससे कोई फर्क नहीं। कमल जी, अभय सर, कल संदीप दीक्षित ने एक प्रेस वार्ता की कांग्रेस के मुख्यालय से, और बाद में मैंने देखा कि रवीश कुमार ने उस पर कार्यक्रम किया, और धीरे धीरे मामला हो सकता है जोर पकड़े, हो सकता है इसे अकादमिक चर्चा का विषय मान लिया जाए कि जितने वोट पड़े और जितनी गणना हो, इसमें काफी अंतर दिखाया है कई गैर सरकारी संगठनों ने अपने अध्ययन में, और उन्होंने ये आग्रह किया है कि इस पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। संदीप दीक्षित ने तो यहाँ तक कह दिया कि तकरीबन 80 से 89 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जीत गई क्योंकि इन वोटों का घपला हुआ है, और अगर अदरवाइज उसका 151 या 155 सीटें आती। तो एक तो ये कि क्या ये बात सच में इतनी गंभीर है कि इसे विपक्षी दलों को इस पर गोलबंदी करनी चाहिए, या इसे हम एक अकादमिक चर्चा का विषय माने और भविष्य के लिए कुछ सुझाव देकर ठंडे बस्ते में डाल दें, आपको क्या लगता है? देखिए पहली बात तो ये है कि उन एंकर का नाम संदीप दीक्षित नहीं, संदीप चौधरी है, अच्छा वो गलती से निकल गया। दूसरी नहीं, नहीं मैं ये कह रहा था कि संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने कांग्रेस कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा कहना यह है कि ये मसला बहुत गंभीर है और केवल एकेडमिक नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने या किसी और संगठन ने, शायद एडीआर ने तो निश्चित रूप से ये बताया है कि कौन कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके अंदर चुनाव आयोग ने पहले जितने वोट पड़े थे ये घोषित किया, लेकिन जब गिनती हुई तो गिनती में या तो वो कम निकले या ज्यादा हो गए। अच्छा, अब इसका असर कहां पे कितना पड़ा, किसको इसका लाभ हुआ, और ये सारे देश में हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, ये केवल 1-2 निर्वाचन क्षेत्रों का मामला नहीं है। तो अब सवाल इस बात का है कि विपक्ष को चाहिए कि इसका एक फौरन एक तखमीना बनाकर, इसका एक आकलन बनाकर संसद में इस बात को ले उठाए, क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर है। ये मसला अगर संसद में एक बार उठा दिया गया तो सारी दुनिया में ये बात फैल जाएगा कि भारत के अंदर जो पिछला 2014 का 2024 का ये चुनाव था, ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। अच्छा, अब इसमें ये भी देखना होगा कहीं इस तरह की गिनती का क्या केवल भाजपा को ही लाभ हुआ है या विपक्ष को भी कुछ सीटों पर उसका लाभ हुआ है, कहां किसको कितना लाभ हुआ, कहां कितना नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर वीवीपैट की गिनती करके ऐसा सुना गया है कि 14 या 16 सीटों को भाजपा को लाभ हुआ, वीवीपैट की गिनती की गई, वो भी देर रात में की गई, और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हो गया, वो चुनाव जीत गई। तो ये बहुत गंभीर मामला है। देखिए चुनाव में बहुत सी बातें की जाती हैं कि भाई कितने धन बल बहुत है चुनाव में, बाहुबल बहुत है चुनाव में, और जातिवाद चलाया जाता है चुनाव में, पता नहीं क्या क्या ये सब बातें कही जाती हैं, और सारी बातें सही हैं, लेकिन चुनाव की गिनती में भी गड़बड़ी की जाती है। ये पहली बार इस तरीके से निकल के आया है इतने बड़े पैमाने पर, किसी एक या दो निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा हो तो अलग बात है। तो ये बहुत गंभीर मसला है और ये पूरे भारत की चुनाव प्रणाली के ऊपर सवालिया निशान लगा देता है, बल्कि उससे कलंकित कर देता है उसको, और इसको विपक्ष को चाहिए कि इसको हाथ से निकलने ना दे। जैसा आपने बताया कि संदीप दीक्षित ने वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका मतलब है कि कांग्रेस ने इसका संज्ञान आधिकारिक रूप से ले लिया है, और चूंकि कांग्रेस ने इसका आधिकारिक संज्ञान लिया है तो अब ये संसद में ये बात उठेगी, और संसद में उठेगी तो रिकॉर्ड में भी जाएगी,
और चुनाव आयोग को इसके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस पर पूरी तैयारी कर रहा होगा कि इस चीज का खंडन कैसे किया जाए या इसकी सफाई कैसे दी जाए। चुनाव आयोग की चुप है, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चुनाव आयोग को इसके ऊपर करना पड़ेगा। फिर विपक्ष को इस मसले को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए। अगर विपक्ष केवल इसे संसदीय बहस और भाषणबाजी और एकेडमिक डिस्कशन की ही बात में सीमित कर देगा तो इससे बात नहीं बनेगी। विपक्ष को चाहिए कि इसको लेकर सड़क पे उतरे, संसद में ही सवाल उठाए, दोनों फोरमों को आपस, संसद और सड़क को आपस में जोड़े और इसको एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न में बदल दे। और मोदी को जो अभी सीटें प्राप्त हुई हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसकी वैधता पर भी इससे सवारी निशान लग जाएगा। इससे मोदी की जो मौजूदा सरकार है और ज्यादा कमजोर होगी, उसकी साख और ज्यादा गिरेगी। आनंद सर, पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया और यह कहा कि उनके यहाँ ईडी की छापेमारी हो सकती है। आज सुबह मैं खबर देख रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बकायदे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी को गिरफ्तार करती है तो उसके लिए एक भयंकर भूल साबित होगी। क्या सच में इस बात की संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी खतरा मोल लेगी को राहुल गांधी को गिरफ्तार करे, या राहुल गांधी ने एक तरीके से एक राजनीतिक तीर छोड़ा यह कहकर कि ईडी का छापा पड़ने वाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा तो राहुल गांधी बन चुके हैं, तो अब उनको मतलब वो लोकसभा में उनको नहीं रोक पा रहे हैं, वो उनको बाहर नहीं रोक पा रहे हैं, वो उनके विमर्श को नहीं रोक पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व तो अभी है उसके तरकश में ये तीर है, उसके तरकश में ये तीर है। हालांकि अभय जी इसको बहुत अच्छे ढंग से दूसरे ढंग से भी समझाते हैं जिसमें वो बीजेपी की वीकनेस की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके तर्कश में ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन उन्होंने बार बार यूज किया है। वो चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे वो अभी भी अरविंद केजरीवाल, और इनको तो अंदर ही रखा है और ये सब जगह पता है, हर एक को पता है कि हरियाणा इलेक्शन तक वो आम आदमी पार्टी के इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो अगर कल के दिन सुप्रीम कोर्ट इस पर जमानत देता है तो कहेंगे ये गिरहकटी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकल रहे थे तो ये किसी की पॉकेट मार रहे थे, तो फिर अंदर करो, फिर निकले तो कहेंगे किसी का, मतलब वो इतने फ्रिवलस चार्जेस पे उनको अंदर रखेंगे जो जग जाहिर है। मतलब ये भी एक अजीब हमारा लोकतंत्र है कि सब लोग चुप हैं, एक व्यक्ति अंदर है। अब बहुत से लोग इस पे भी बात करने लगे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने लाइन ऑफ वो ठीक नहीं लिया उनको, अरे भाई चैलेंज किया, गलत किया, सही किया, एक आदमी अंदर बंद है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को तो मिल गई जमानत क्योंकि बेल अप्लाई किए, ये तो अपने अरेस्ट को ही चैलेंज कर रहे हैं, अब ये सब कानूनी दांव पेच है। लेकिन हेमंत सोरेन अंदर रहे, आज हेमंत सोरेन को जब छोड़ा गया और पीएमएलए कानून को उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि एक बार आप अंदर चले जाइए तो आपको बाहर निकलने में एक साल लग जाएगा, 6-8। हेमंत सोरेन थोड़ा लकी थे कि उनका 5-6 महीने में वो बाहर निकल आए, नहीं तो जल्दी आदमी निकल नहीं पाता है। मनी ट्रेल हो ना हो वो तो अपने आप ही उसको करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अगर ये कहा है तो पहली चीज ये है, राहुल गांधी कोई सेंसेशनल न्यूज नहीं देते, ये कहा है तो इस तरह की सूचना उनके पास 100% होगी। दूसरा ये भी है कि उस दिन रात में उनको वायनाड से आना था, वो अपना अगर डिले किए हैं एक दिन तो इस सब चीजों की वो जो भी उनका अपनी बैकरूम में वो तैयारी कर रहे हो कि भाई वहां जाएंगे अगर पकड़ जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब चूंकि उन्होंने ये बात कह दी है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सूचना जो मेरे पास जिस तरह की सूचनाएं थी उसमें यह था कि मोदी जी की इच्छा जो थी, कोई मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मेरी सूचना उनकी इच्छा ये थी कि जब मैं संसद में आऊं उससे पहले राहुल गांधी जेल में होने चाहिए, तो मैं जब संसद में आऊं तो दिखाऊं कि देखो कितने भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में डाल रहा हूं और ये उसके लिए हल्ला मचाते। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी इस इच्छा से वो कर दिया है और अब ऐसा लगता है कि जब भी मोदी जी इस बजट सत्र में बोलेंगे तो राहुल गांधी वहां सामने बैठा हुआ उनको पाएंगे। कमल जी, आनंद सर, सॉरी अभय सर, आपसे सवाल मैं करना चाहूंगा महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। मैंने ये नोटिस किया कि वहां पर जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, जैसे अमित शाह गए तो उन्होंने औरंगजेब का नाम लिया, और जब ठाकरे साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो यानी कि शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने ये कहा कि अमित शाह तो अहमद साहब दाली से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मतलब उनके वंश से जुड़ा हुआ कुछ उनका, उन्होंने एक जुमला छोड़ा ऐसा। तो क्या ये जो हिंदुत्व से खुद को जोड़ने की राजनीति, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में काफी जोर शोर से चल रही है, शिवसेना भाजपा के हिंदुत्व को चुनौती दे पाने की स्थिति में है?
देखिए शिवसेना तो एक हिंदुत्ववादी संगठन रहा ही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका एक विचारधारात्मक एकता रही है। वो शिवाजी के नाम पर बनी हुई शिवसेना है और वो मुगल शिवाजी का इतिहास जो है वो मुगलों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है, साथ में औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है, साथ में वहां के स्थानीय जो मुसलमान मुस्लिम सल्तनतें थी उनके खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है शिवाजी का। तो ये सब होना तो स्वाभाविक ही है। इसके अलावा उन्हें उनके पास बोलने का कोई, देखिए भाजपा और शिवसेना के पास इससे ज्यादा बोलने का कोई, इससे अतिरिक्त कुछ बोलने का मुहावरा नहीं है। उनकी उनका बुनियादी प्रशिक्षण इसी तरह हुआ है तो उनकी जो उपमाएं होंगी, जो उनके रूपक होंगे, उनके मेटाफर होंगे, सब इसी किस्म के होंगे। वो आपकी प्रशंसा करेंगे तब भी इसी लहजे में प्रशंसा करेंगे और आपका विरोध करेंगे तब भी इसी लहजे में विरोध करेंगे। इसलिए ये तो एक बात रही। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिश ये रही है कि हिंदुत्व की पूरी ठेकेदारी उन्हीं के पास रहे, कोई दूसरा कोई समांतर क्लेम ना होने पाए। सावरकर की जो हिंदू महासभा थी उसके पास भी कोई दावा दावेदारी ने रह जाए, आर समाज के पास भी कोई दावेदारी ने रह जाए, और शिवसेना जो कि एक बड़ा हिंदूवादी संगठन था, भाजपा से महाराष्ट्र में शक्तिशाली था, उसके पास भी न रह जाए। शिवसेना के उनसे अलग हो जाने और महागठबंधन और महाविकास आघाड़ी में चले जाने से भाजपा को यह सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि वो हिंदुत्व की जो अकेली दावेदारी थी, जो मोनोपोली बन गई, उनकी जारीदारी बन गई थी हिंदुत्व के ऊपर, वो उनकी गड़बड़ा गई है। अब उनके पास एक समांतर संगठन है जो शिवसेना केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, प्रतीकात्मक रूप से और कई जगहों पे भी उनके लोग चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि सत्ता का संघर्ष है तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में दोबारा कोई विचारधारात्मक एकता होगी। ज्यादा एकता होगी तो दोनों में किसी एक को सत्ता के ऊपर अपनी दावेदारी छोड़नी पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है। क्या ये भी लगता है आनंद सर कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और फेरबदल होगा, या कम से कम विधानसभा चुनाव तक यही दो मोर्चे रहेंगे? क्योंकि बार बार मैं ये खबरों में देख रहा हूँ कि शरद पवार एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या और किसी बदलाव की आशंका या उम्मीद जो भी हम कहें हो सकता है? कमल जी मैं उस पे आऊं, मैं एक चीज और जोड़ दूं। देखिए यूपी की पॉलिटिक्स का मैं इसलिए जोड़ दूं कि कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ अभद्रता और छेड़खानी होती है, विधानसभा सत्र चल रहा है, योगी जी उसमें दो नाम लेते हैं कि भाई ये जो दो लड़के पवन यादव और मोहम्मद अरबाज को हमने गिरफ्तार कर लिया और ये लोग लड़की छेड़ रहे थे, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब इसके जो और आरोपी थे इसमें 16 लोग पकड़े गए और अब पुलिस ने लिखा है। अब उन 16 लोगों में पवन यादव और मोहम्मद अरबाज के बाद अब नाम सुनिएगा, सुनील कुमार, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जयकिशन और अभिषेक साहू। तो ये बाकी लोग भी थे। अब योगी जी ने अपना काम कर दिया पवन यादव और ये पहुंचाना कि देखिए मुसलमान और यादव अगर आ जाएंगे तो लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल है, उसमें ट्वीट रीट्वीट होने लगा। ये जो बाकी 14 महाशय हैं जो अक्रॉस हिंदू के ठेकेदार लोगों के यहाँ से आते हैं, वो पंडित जी भी हैं, राजपूत भी हैं, साहू जी भी हैं, सब लोग हैं, ये कितने खतरनाक है ये देखिएगा। तो मेरा कहना, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा था कि योगी जी को जो अपना काम करना होता है वो कर जाते हैं। खैर, आपके जो महाराष्ट्र वाला सवाल है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे उनसे मिले हैं तो अमित शाह को ज्यादा डर होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे मेरा जो अपनी रीडिंग है शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि शरद पवार आहत नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब अमित शाह उनको जिस तरह की गालियां देके आए हैं, शरद पवार उस भाई एक आदमी का एक वो होता है ना, ठीक है पॉलिटिक्स में तुम मुझे कुछ कह लो मैं तुम्हें कुछ कह लूं, जैसा लोगों का मानना है कि शरद पवार और बाल ठाकरे वन ऑफ द बेस्ट दोस्त, कहना अब उसको दोस्त कहा जाए मित्र कहा जाए, लेकिन आपस में मंच लगा के बहुत एक दूसरे को कहते थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत ठीक था उनका मामला। आज की तारीख में जिस तरह की गालियां अमित शाह देके आए हैं, तो अगर शिंदे वहां जाके बातचीत कर रहे हैं तो शिंदे जी कहीं ना इलेक्शन से पहले खिसक जाए उधर, इसकी संभावना ज्यादा मुझे लगती है बनिस्पत शरद पवार इस तरफ आने के। और दूसरा एक जो बात आपने कही ना कि ये जो मुसलमान और बात, देखिए दो तीन पार्टियों का एक बड़ा अच्छा है, उद्धव ठाकरे हिंदूवादी पार्टी होने के बाद भी मुसलमान को उनको आज की तारीख में वोट देने में दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार एनडीए में होते हुए भी मुसलमानों का वोट उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो कुछ पार्टियों ने अपनी पोजीशन ऐसी, वहां पे तेलुगु देशम एनडीए के साथ गठबंधन के बाद भी मुस्लिम वोट के
उनको मिल जाता है। तो कुछ पार्टियों ने अपनी ये पोजीशन बना रखी है और उसके पीछे कारण भी है। जेडीयू और ये सब लोग जब एनडीए में आए थे ये लिखित तीन कंडीशन थी कि 370 राम मंदिर और एक और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे हम इस एजेंडा हमारे सीएमपी में नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मामला है इससे बीजेपी को ज्यादा इस समय दिक्कत होनी चाहिए शिंदे और उनकी, क्योंकि आज की तारीख में शरद पवार कहीं हिलेंगे इसकी मुझे जरा भी संभावना नहीं। कमल जी, आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी और आनंद जी से चर्चा करेंगे। आप दोनों लोगों को बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।